चैत्र नवरात्रि का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में आज चौथा दिन है और आज मां कुष्मांडा को याद किया जा रहा है। माता कुष्मांडा की पूजा और आराधना की जा रही है और ये भी कहा जाता है कि पूजा करने से भक्तों के दुख दूर होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म पुराणों की अगर बात की जाए तो माता कुष्मांडा में समस्त सृष्टि का सृजन करने की शक्ति है। माता कुष्मांडा सौर मंडल की देवी भी मानी गई हैं और कहा जाता है कि माता ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड का सृजन कर दिया था, इसलिए माता के स्वरूप को कुष्मांडा कहा गया है। माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने से भक्तों को रोग शोक और तमाम तरह के दोषों से लड़ने की शक्ति प्रदान होती है। ऐसे में लोग सुबह से ही मंदिरों में पहुंचकर माता की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। तो देखिए, मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और पैरथला के मंदिर की तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो देखिए, सुबह से ही मां को याद किया जा रहा है क्योंकि देखिए माता शक्ति के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की सुबह से ही पूजा और आराधना की जा रही है। हालांकि सरसा की वो तस्वीरें भी हमने अब साझा की थी जिसमें भक्त जो है वो लगातार पहुंच रहे थे माता की ज्योति के लिए। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन ही माँ दुर्गा के चौथे रूप की कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मंदिरों में यहाँ पर भक्तजनों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, जो सुबह से ही यहाँ पर भक्तजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं मंदिरों में अपने दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं भक्तजन। किस तरह से पूजा अर्चना के लिए आप देख सकते हैं भक्तजनों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। बात करने की कोशिश भी करेंगे, यहाँ पर कुछ भक्तजन हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? उषा गुप्ता। पूजा करने के लिए मंदिर पहुँच रहे हो, कैसा उत्साह? बहुत अच्छा उत्साह है यहाँ पे और बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम होते रहते हैं हर दिन और बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे देवी की पूजा की जाती है नवरात्र में, क्या कैसे? नौ दिन व्रत रखते हैं और अपने पूजा पाठ करते हैं, घर पे भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं और सारा दिन अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं। अपना जैसा भी टाइम मिलता है वैसे पूजा पाठ करते हैं। तो आप, क्या नाम है? गीतिका गुप्ता। कैसा उत्साह है आपके? मेरे को तो बहुत है। नौ दिन व्रत रखते हो? पूरे नौ दिन व्रत रहता है मेरा। और क्या कहते हैं, अपनी मम्मी के साथ मंदिर आती हूँ, आज ही आई हूँ। ऐसे तो मैं मंदिर मम्मी के साथ ही, लेकिन घर पे मम्मी के साथ पूजा करते हो, बहुत सुकून मिलता है मंदिर में। तो कहीं ना कहीं भक्तजन काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पुजारी जी से बात करेंगे। पुजारी जी, किस तरह का उत्साह भक्तजनों का देखने मिल रहा है आज, कौन सी देवी? जय माता दी सभी को। ये तो सबसे बड़ी उत्सव के बाद है कि ये नए साल में और नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है और भक्तों को इतना बड़ा उत्सव है कि यहाँ भीड़ तो काफ़ी पड़ी है। माता रानी हरे हरे के रूप का पूजन होती है, हर नौ दिन का नौ रूप का पूजन होती है। प्रथम शैल पुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थी, कुष्मांडे थी, चतुर्थकम। आज चतुर्थ पूजा है, कुष्मांडे का पूजन है। इस आज का दिन हरे हरे फल चढ़ती है और मालपुआ चढ़ती है, भगवान की भगवती के भोग लगता है अनेक अनेक रूप का। आज भगवती का पूजन करने से हर मनोकामना सुख शांति की प्राप्ति होती है घर पे और पितरों को भी शांति होती है। तो भक्तजन सुबह से ही मंदिर में पहुंच रहे हैं? बहुत बहुत, ये चार बजे सुबह मंदिर खुल जाती है और उसी समय से शाम तक भीड़ रहती है, एक बजे तक, और एक बजे से फिर चार बजे मंदिर खुलती है। उसके बाद आठ बजे तक आरती पूजन करके फिर यहाँ आठ बजे से जैसे भजन कीर्तन चलता है, साढ़े नौ बजे तक सभी उत्सव कर मनाते हैं। भक्तजन काफ़ी भीड़ से यहाँ आते हैं, भजन कीर्तन करते आनंद उठाते हैं। वो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुजारी जी ने साफ तौर पर बताया है कि जो आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, कुछ ऐसा बताया जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं की गई तो माँ कुष्मांडा ने अपने हास्य से जो ब्राह्मण की रचना की गई थी, जब से उन्हें आदिशक्ति उनको कहा जाता है और कहीं ना कहीं उनका अष्टभुजा देवी भी वो कहा जाता है। उनकी आठ भुजा होती है और साफ तौर पर उन्होंने जो भक्त इनकी पूजा करते हैं उनको यश और बढ़ोतरी की प्राप्ति होती है और सिद्धि उनको मिलती है। और आज के दिन माँ कुष्मांडा के माल पुए और जिस तरीके हरे फल उन पर चढ़ाए जाते हैं जिससे कि मां देवी प्रसन्न होती है। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज, बल्लभगढ़। नवरात्र का आज चौथा दिन है, मां शैलपुत्री से जो पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ था नवरात्रों में वो आज चौथे दिन में प्रवेश कर गया है। मां शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्र घंटा और आज जो है माता का दिन है माता कुष्मांडा। और इस देवी की आराधना में भी लोग उतनी ही श्रद्धा से भाग ले रहे हैं जितना उत्साह पहले दिन था। सिरसा के सालासर धाम मंदिर में मौजूद हैं, सभी नौ देवियों को यहाँ विराजमान किया गया है। नवग्रह की जो पूजा स्थापना की गई है और लगातार जो पूजा का दौर वो यहाँ चलता है। माता अंजनी का भव्य दरबार भी यहाँ देखा जा सकता है और साथ साथ लगातार 351 ज्योतों से जो माता का एक अखंड जो महायज्ञ चल रहा है वो भी अपने आप में एक
बढ़िया जो एक उदाहरण है, और साथ साथ तमाम जो पंडित जी हैं वे लगातार यहाँ एक 351 ज्योतों के साथ जो शतचंडी यज्ञ है उसको गतिमान किए हुए हैं। और आज चौथे दिन के बाद आज अगले दिन किस प्रकार से पूजा रहेगी और आज की पूजा के क्या विधान रहेंगे हम पंडित जी से ही जानेंगे। लगातार ही आप देख सकते हैं 351 ज्योतों की भव्य जो एक अखंड ज्योत यहाँ प्रज्वलित की गई है, और लगातार जो तमाम जो पुजारी हैं सालासम धाम मंदिर में वो इस यज्ञ में जुटे हुए हैं और उनकी उपासना, माता की उपासना विश्व शांति के लिए, अमन भाईचारे के लिए माता की उपासना जो है वो लगातार यहाँ शुरू की जा रही है। और आप देख सकते हैं इतना बढ़िया बढ़िया भव्य दरबार जो है वो सालासर धाम मंदिर में सजाया गया है, और यहाँ सभी नौ देवियाँ विराजमान हैं। इनकी पूजा अर्चना पूरे नौ दिन विधि विधान के साथ होती है, और 351 ज्योतों की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 351 ज्योतों का एक भव्य जो कीर्तन है, महायज्ञ है, वो यहाँ लगातार अखंड ज्योतों से चलता है। माता कात्यायनी, माता कालरात्रि और माता महागौरी, माता सिद्धिदात्री यहाँ विराजमान है। हम पंडित जी से भी जानेंगे कि जो आज चौथा दिन है इसका क्या महत्व है और आगे किस प्रकार से जो ये अखंड महायज्ञ शुरू किया गया इसको गतिमान वे किए हुए हैं। पंडित जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आज चौथा दिन है माता की उपासना, माता कुष्मांडा की उपासना आज की जाती है, किस प्रकार से विधि विधान है इसका माता की? नवरात्र के प्रत्येक नौ दिन अलग अलग देवियों का पूजन होता है। आज चतुर्थ दिवस कुष्मांडेति चतुर्थकम, आज माँ भगवती कुष्मांडा, कुष्मांड का सामान्य भाषा में अर्थ पेठा, तो पेठा होता है। कुष्मांडा देवी जो है वो उस स्वरूप के अंदर जब ये बलि दी जाती है हमें, नवरात्र के अंदर बलि का विधान है, लेकिन लिखा हुआ है बलि मांसादि पूजेयम विप्रवर्ज्या मेरिता, ब्राह्मणों के लिए बलि का विधान नहीं है, लेकिन प्रतीक स्वरूप कुष्मांड स्वरूप के अंदर भगवती को बलि दी जाती है। चतुर्थ दिवस आज नवरात्र का है, इसमें माँ भगवती कुष्मांडा का ही पूजन किया जाता है नव दुर्गाओं के अतिरिक्त, तो ये इसकी महत्ता है। आगे किस प्रकार से ये आपका महायज्ञ चल रहा है इसके बारे में क्या जानकारी, आगे किस प्रकार से गतिमान रहेगा? देखिए, जो प्रारंभ में भी ये बात हुई थी कि सालासर धाम की तरफ से ये बड़ी ही सुंदर व्यवस्था, हमारे जो सम्माननीय प्रधान जी गोपाल जी सराफ हैं और उनकी जो सहयोगी टीम है उनके अथक प्रयास से और समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से ये कार्य करते हैं, वो उत्तरोत्तर भक्तों की संख्या में वृद्धि होती है और समय का नितांत अभाव सभी के पास है इस जो अर्थ प्रधान युग है इसके अंदर, तो जैसा जिसको समय मिलता है उसके अनुसार आते हैं। और अब जो हमारा 31-30 तारीख को जो महायज्ञ होगा उसके अंदर सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, तो लगातार यह आयोजन चलता है और 30 जो मार्च है उसको इस महायज्ञ का समापन होगा। और लगातार सिरसा के मंदिरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से माता की उपासना और पूजा अर्चना चल रही है। कैमरामैन विकास के साथ अमित तिवाड़ी, हरियाणा न्यूज सिरसा। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन ही माँ दुर्गा के चौथे रूप की कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मंदिरों में यहाँ पर भक्तजनों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, जो सुबह से ही यहाँ पर भक्तजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं मंदिरों में अपने दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं भक्तजन। किस तरह से पूजा अर्चना के लिए आप देख सकते हैं भक्तजनों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, बात करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर कुछ भक्तजन है हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? उषा गुप्ता। पूजा करने के लिए मंदिर पहुँच रहे हो, कैसा उत्साह? बहुत अच्छा उत्साह है यहाँ पे और बहुत अच्छा देखने को मिलता है, यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम होते रहते हैं हर दिन और बहुत अच्छा लगता है। तो कैसे देवी पूजा की जाती है नवरात्र में, क्या कैसे? नौ दिन व्रत रखते हैं और अपने पूजा पाठ करते हैं, घर पे भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं और सारा दिन अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं, अपना जैसा भी टाइम मिलता है वैसे पूजा पाठ करते हैं। तो आप, क्या नाम है आपका? गीतिका गुप्ता। कैसा उत्साह है? मेरे को तो बहुत है। नौ दिन व्रत रखते हो? पूरे नौ दिन व्रत रहता है मेरा और क्या कहते हैं अपनी मम्मी के साथ मंदिर आती हूँ, आज ही आई हूँ, वैसे तो मैं मंदिर मम्मी के साथ ही, लेकिन घर पे मम्मी के साथ पूजा करती हूँ, बहुत सुकून मिलता है मंदिर पूजन वास्ते। तो कहने का ये भक्तजन काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, पुजारी जी से बात करेंगे। पुजारी जी, किस तरह का उत्साह भक्तजनों का देखने मिल रहा है और आज कौन सी देवी? जय माता दी सभी को। ये तो सबसे बड़े उत्सव के बाद है कि ये नए साल में और नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है
और भक्तों को इतना बड़ा उत्सव है कि यहाँ भीड़ तो काफ़ी पड़ी है। माता रानी के हरेक रूप का पूजन होती है, हर नौ दिन का नौ रूप का पूजन होती है। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थी, कुष्मांडे थी, चतुर्थकम। आज चतुर्थ पूजा है, कुष्मांडे का पूजन है। इस आज का दिन हरे हरे फल चढ़ती है और मालपुआ चढ़ती है, भगवान की भगवती के भोग लगता है अनेक अनेक रूप का। आज भगवती का पूजन करने से हर मनोकामना सुख शांति की प्राप्ति होती है घर पे, और पितरों को भी शांति होती है। तो भक्तजन सुबह से ही मंदिर में पहुँच रहे हैं? बहुत बहुत, ये 4 बजे सुबह मंदिर खुल जाती है और उसी समय से शाम तक भीड़ रहती है 1 बजे तक, और 1 बजे से फिर 4 बजे मंदिर खुलती है। उसके बाद 8 बजे तक आरती पूजन करके फिर यहाँ 8 बजे से जैसे भजन कीर्तन चलता है 9:30 बजे तक। सभी उत्सव कर मनाते हैं, भक्तजन काफ़ी भीड़ से यहाँ आते हैं, भजन कीर्तन करते आनंद उठाते हैं। वो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुजारी जी ने साफ तौर पर बताया है कि जो आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, कुछ ऐसा बताया जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं की गई तो माँ कुष्मांडा ने अपने हाथ से जो ब्राह्मण की रचना की गई थी, जब से उन्हें आदिशक्ति उनको कहा जाता है, और कहीं ना कहीं उनका अष्टभुजा देवी भी वो कहा जाता है, उनकी 8 भुजा होती है, और साफ तौर पर उन्होंने जिस जो भक्त इनकी पूजा करते हैं उनको बड़ी यश और बढ़ोतरी की प्राप्ति होती है और सिद्धि उनको मिलती है। और आज के दिन माँ कुष्मांडा माल पुए और जिस तरीके हरे फल उन पर चढ़ाए जाते हैं, जिससे कि माँ देवी प्रसन्न होती है। जितेंद्र बेनीवाल, हरिया न्यूज, बल्लभगढ़। नवरात्रों का चौथा दिन है और जो लगातार है भक्तों की कतार मंदिर में लगी हुई है। मैं मोहना मंदिर के अंदर मौजूद हूँ, नजारा आप देखिए, माता रानी जो है वो यहाँ पर सजी है और तमाम जो भक्त जन है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम जो भक्त हैं वो मैं बता दूं भारी तादाद में यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए लगातार पहुंचते हैं। आप भी माता रानी के यहाँ पर जो दर्शन कर सकते हैं। पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ मान्यता मंदिर की है और आज चौथा नवरात्रा है, किस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, बात करते हैं। पंडित जी, आज चौथा नवरात्रा, किस तरह से माता की आराधना करनी चाहिए? हरियाणा न्यूज से मैं धर्मेंद्र पुजारी, कालका मंदिर का। सभी को जय माता की। और आज स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो चतुर्थ नवरात्र स्कंद माता के रूप में मनाया जाता है, और माँ कालका के धाम पर सारे ही नवरात्र इसी प्रकार मनाए जाते हैं। तो जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ नारियल पान सुपारी लेकर के माता रानी के चरणों में अपने मन में मुराद कर करके यहाँ पे चढ़ाता है, उसकी मनोकामना माता रानी अवश्य पूरा करती हैं, और आने वाले 6 महीने के अंदर ही उसकी मनोकामना 100% अपने विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि माता रानी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। पंडित जी, बात करें कि मंदिर को पांडवकालीन मंदिर कहा जाता है, क्या इसके पीछे जो तथ्य हैं वो क्या हैं? पांडवकालीन मंदिर इसलिए कहा जाता है, जब पांडवों ने कौरवों से युद्ध का समय हुआ था, तो पांडवों ने यहाँ पर 5 भाई आए थे, जिन्होंने युधिष्ठिर गर्भगृह में बैठ करके और जो चारों भाइयों ने बाहर रक्षा करी थी कि कोई ना आए, तो विजय प्राप्ति के लिए माता रानी को प्रसन्न किया था, उसकी आराधना करी थी 9 दिन, तो इसीलिए नवरात्र भी मनाए जाते हैं माता रानी के मोहना धाम पर। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि पांडवकालीन मंदिर इसीलिए कहा जाता है। बिल्कुल, माता रानी की आराधना करने वालों की यहाँ पर जो मनोकामना है वो लगातार पूर्ण होती नजर आती है, जिस तरह से लोग यहाँ पर तमाम भक्तों का लगातार तांता लगा रहता है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर जो दुकान है, चाहे प्रसाद की सामग्री की बात करें या फिर खिलौनों की बात करें, लगातार यहाँ पर दुकान है जो सजकर तैयार हैं, और रोजमर्रा की तरह रोज लोग यहाँ पर माता की आराधना करते हुए नजर आते हैं। पिथला विधानसभा